दुबई एक अमेजिंग शहर। वेल अमेजिंग क्यों? तो मैं आपको बता दूं, 1990 से पहले दुबई एक बंजर रेगिस्तान सा था, पर अभी दुबई वर्ल्ड के सबसे स्मार्ट सिटियों में से एक है। आखिर ये कैसे पॉसिबल हुआ, इसके बारे में मैं बाद में किसी वीडियो में बता दूंगा। खैर, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दुबई की कुछ ऐसे चीजों के बारे में जो शायद ही आपको पता हो। बुर्ज अल अरब, जो कि दुबई का एक 7-स्टार होटल है, जिस होटल के अंदर मोनालिसा का एक पेंटिंग है और उस पेंटिंग के ऊपर टोटल 46,000 से भी ज्यादा बार गोल्ड के लेयर्स बिछाए गए। बुर्ज अल अरब जो होटल है उसके अंदर 1790 स्क्वायर किलोमीटर का टोटल गोल्ड के प्लेट बिछाए गए हैं और उसमें 24 कैरेट सोना है, मतलब पूरा प्योर सोना से बना हुआ। दुबई का जो मैन मेड आइलैंड है ना, मतलब पाम आइलैंड, उस आइलैंड को बनाने के लिए टोटल 98 मिलियन मीटर क्यूब रेत का जरूरत पड़ा था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी पत्थर, रेत, सीमेंट, जितने भी चीजों का इस्तेमाल हुआ वो पृथ्वी को 3 बार घेर सकते हैं गोल गोल, मतलब आप समझ जाओ कि कितना ज्यादा है। और दुबई के जो पुलिस होते हैं ना, उनकी तो बात ही मत करो, सबसे एक्सपेंसिव कार उनके पास ही होता है, लाइक फरारी FF जिसका कीमत है $5,00,000, लैम्बर्गिनी एवेंटाडोर लगभग $4,00,000, बुगाटी वेरॉन $10,00,000 जिसका कीमत आप इंडियन रुपीज पे अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। और इस दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग, मतलब सबसे ऊंचा बिल्डिंग, जो कि आप लोगों को बोलने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि बुर्ज खलीफा, ये भी दुबई पे ही है। इस दुनिया पे टोटल जितने भी क्रेन है, क्रेन मतलब JCB क्रेन जो कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करता है, उसमें से 25% क्रेन, मतलब इस वर्ल्ड के 25% क्रेन दुबई पे है और काम कर रहे हैं। दुबई के जितने भी लोग हैं ना, मतलब जितने भी शेख हैं ना, वो सभी गोल्ड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया पे टोटल जितने गोल्ड है उसमें से 25% दुबई के पास है, मतलब उन शेख के पास। दुबई पे टोटल जितने लोग रहते हैं, मतलब दुबई का जितना पॉपुलेशन है, उसमें से 85% बाहर के देशों से आए हुए लोग जो कि दुबई पे रहते हैं, जैसे कि हमारे टेक्निकल गुरुजी हैं इंडिया के पर रहते दुबई पे, है ना अमेजिंग बात। और एक लास्ट फैक्ट यह है कि दुबई पे आप जितने भी पैसे कमाते हो उनका कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है आपको, मतलब नो इनकम टैक्स। तो शायद इसकी वजह से, चलिए शुरू करते हैं, मेरा मतलब है कि बहुत सारे लोग रहते हैं, मेरा कोई पर्सनल अटैक नहीं है किसी के ऊपर, पर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग रहते हैं, बस यही बात। सो गाइस, अगर आपको आया है वीडियो पे मजा और सीखने को मिला है कुछ नया, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बनता है उस लाल वाले बटन पे क्लिक करके।